नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना है और आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों बैलेंस हो जाएंगे। देखा गया है साथियों कि ऐसी ऐसी बीमारियां हम लोगों के बीच आ रही हैं जिसका हम लोगों के पास इलाज नहीं है, और अगर हम लोग अपने को ठीक नहीं रख पाएंगे, अपने को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, तो बहुत जल्दी इन बीमारियों के हम चंगुल में आ जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का बाद में सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में बिल देने से अच्छा है कि अपने को इतना स्वस्थ रखें कि हमको कोई दिक्कत ही ना हो। आज हम बात बताते हैं आपको साथियों ऐसी अद्भुत बात जो आपको मालूम है, आपको इसके बारे में पता है, लेकिन आपको ये अद्भुत है ये नहीं पता हो। शायद हमारे बड़े बुजुर्गों को तो पता होगा, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको कि ना कोई रूटीन बचा है, ना कोई काम का तरीका बचा है, काफ़ी लोगों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छे बच्चे भी होंगे जो बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, MPhil DPhil कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दिन को 10 बजे सुबह तक नींद आती होगी, जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता होगा, जो तमाम बर्गर किंग और तमाम प्रतिष्ठानों पे बर्गर और इस तरह की चीज़ों को ढूंढते होंगे, और जिनको जहां मिलता होगा वो खा पी लेते होंगे, वो कोई परहेज नहीं करते होंगे, कोई उससे एहतियात नहीं करते होंगे, और ऐसे ही लोग आगे चल के परेशान होते हैं। तो मेरे उन दोस्तों के लिए यह वीडियो है, उन साथियों के लिए यह वीडियो है जो लोग आज भी इस हकीकत को नहीं समझ पाए हैं कि आने वाला वक्त कितना कठिन है, आने वाला वक्त कितनी बीमारियों से भरा है। आप देखिए कि पहले अभी सार्स आया, मार्स आया, फिर स्वाइन फ्लू आई, फिर कोरोना आया, और अभी सुगुगाहट हो रही कि एक नया वायरस आने वाला है जो कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा। तो साथियों, बिना देर करे हम आपको 5000 साल पुरानी हिंदुस्तान की बात बताते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी घर में करते होंगे, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं वो इससे दूर हैं, इसकी महत्ता को समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। अगर साथियों आपको स्वस्थ रहना है, आपके दिल दिमाग आत्मा सबको बैलेंस मोड में रहना है, तो आपको यह एक काम करना होगा, और पेश है आपके सामने वह जीवन को स्वस्थ रखने की, मैं कहूंगा सबसे जरूरी बात। आपको साथियों अगर स्वस्थ रहना है या हमको स्वस्थ रहना है, तो हमको हफ्ते में एक दिन अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग यानी व्रत। आपको हफ्ते में एक दिन व्रत रखना पड़ेगा, फास्ट रखना पड़ेगा, यानी कि आपको उस दिन खाने पीने पे एहतियात रखना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा क्यों, और आपके हर सवाल का जवाब, अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे साथियों, आपको हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। व्रत साथियों, अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेदा की बात करें तो जाता है प्रताहार्य, एक वर्ड है संस्कृत में प्रताहार्य। प्रताहार्य मीन्स, प्रता मीन्स एज अगेंस्ट, और हार्य मीन्स जो आप अनाज खाते हैं, यानी कि प्रताहार का मतलब हो गया वो सीमित भोजन जो आपको करना है, जो भोजन के ही विरुद्ध है और आपको वो भोजन करना है, जो कि आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को संतुष्ट कर सके, इस बात पे आपको ध्यान देना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि फास्टिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। फास्टिंग साथियों हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी की जो कहावत है वी आर व्हाट वी ईट, यह गलत है।
एक कहावत और जो हमारे हिंदुस्तान की है या जो आयुर्वेदा कहता है वो यह कहता है, वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। तो होता क्या है साथियों, हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर होती है जिसको कि अग्नि कहते हैं, वह जब डीरेंज होती है तो या वो छीन पड़ती है, मंद होती है, कम होती है, तो हमारे शरीर में यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होता है, यानी कि टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। और यह टॉक्सिन्स ही साथियों हमारे बॉडी में इकट्ठा होते हैं, हमारे ब्लड में इकट्ठा होते हैं, फिर यह डिपॉजिट होते हैं और ब्रेन तक जाते हैं। तो अगर हम फास्टिंग करके अपनी इस अग्नि को रेगुलेट कर पाएँ बॉडी की, तो हम इन टॉक्सिन्स को अपने ख़त्म करके अपने शरीर की ओजस यानी इम्यूनिटी को बढ़ा सकेंगे, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप फास्टिंग करें। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि आपका जो बॉडी है, आपका जो पैलेट है, मुँह का स्वाद है, यह आपके माइंड को गवर्न करता है, आपके दिमाग को गवर्न करता है, एज गांधी सेड। अब साथियों बात कर लेते हैं फास्टिंग के, व्रत रखने के फायदे की। होता है साथियों क्या है, व्रत में वास्तव में आपके शरीर पे क्या मदद होती है। हमारा जो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शरीर का सबसे बड़ा सिस्टम है, और जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हर समय खाते रहते हैं तो अपने डाइजेशन को आराम नहीं दे पाते, लेकिन जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और एनर्जी कंजर्व होती है बॉडी में। जब यह एनर्जी बॉडी में कंजर्व होती है तो यह हमारी अग्नि को रेगुलेट करती है, जो कि डाइजेस्टिव फायर है, आपके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस अग्नि का रेगुलेशन होता है और यह अग्नि बढ़ती है तो आपके शरीर में जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स यानी कि यानी कि टॉक्सिन्स हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी फास्टिंग के ही जरिए हो सकती है, इसका कोई जरिया नहीं है। इसलिए फास्टिंग हर किसी के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्रत रखने की आपके शरीर को कब ज्यादा जरूरत है। आपके शरीर को साथियों व्रत रखने की वास्तव में ज़रूरत है, शरीर आपको इशारा कर रहा है। जब आपके सुबह उठे तो बहुत कमज़ोरी आती है और डलनेस होती है और डिजीनेस होती है और आपकी ज़ुबान पे वाइट कोटिंग हो, आपकी टंग पे वाइट कोटिंग हो, अगर यह दो सिम्टम आप में हैं साथियों तो आप जान लीजिए कुदरत इशारा कर रही है कि आपको यह हमें व्रत। फिर साथियों विषय आता है कि हम फास्ट कैसे रखना शुरू करें। बहुत आसान सी बात है साथियों, फास्ट रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आपको पता है आपके शरीर के लिए जो बुरा है वो आप खाना बंद कर दें, चाहे वो शक्कर की चीज़ें हो, चाहे वो अनकुक फूड हो, चाहे वो फ्रीज फूड हो, चाहे वो रात का लेफ्ट ओवर फूड हो, इन तमाम तरह का जो हम लोग खाना अपने पास इकट्ठा करे हुए हैं, सब पैक्ड फूड और सारी जंक फूड और या स्ट्रीट फूड, इनको हमको बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये बंद करते हैं तो आप आधा फास्टिंग के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जिसको कि आयुर्वेदिक फास्टिंग भी कहते हैं। एक विषय आता है साहब फास्ट हम कब रखें। हम आपको इसका सबसे अच्छा तरीका बताएं, आप फास्ट तब रखिए जब आपका पंडित या ज्योतिष का है, और अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो जिस दिन आपकी सबसे ज़्यादा पार्टियाँ होती हों आप उस दिन फास्ट रख लीजिए, यानी कि मैं कहूँगा संडे को। आपका संडे ख़राब होगा, दो तीन हफ्ते आपको सूनापन लगेगा, लेकिन उसके बाद उतना ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपका माइंड फ्री रेडिकल से फ्री हो चुका होगा और आप में सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई हो। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा है, महान दार्शनिक हुए हैं, द बेस्ट ऑफ द मेडिसिन इज फास्टिंग एंड रेस्टिंग। अब साथियों फास्टिंग में एक बात आती है जो आयुर्वेद कहता है, मैं अपने लिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ा कि अपने को कैसे स्वस्थ रखें, और मैं आपके साथ वही सब बांट रहा हूँ। फास्टिंग रखने के लिए साथियों अपने में कौन सा आप में दोष है आयुर्वेदिक के हिसाब से वो पता करना बहुत ज़रूरी है। तीन तरह से आयुर्वेद में एनर्जीज क्लासीफाई होता है, आपको ये समझना चाहिए। मैं नई पीढ़ी को ये बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपको हेक्टिक लगे लेकिन फिर भी आप सुनिए। तीन तरह का एनर्जी फ्लो बॉडी में होता है, एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। वात साथियों आपका एनर्जी ऑफ
मूवमेंट होती है। आपके बॉडी में जितना भी आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, आपके सेल का साइटोप्लाज्म फ्लो करता है, अंदर का एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है, वह सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वात। और वात में यह एनर्जी फ्लो करती है स्पेस एंड एयर में। वात का जो पेशेंट होता है साथियों, अगर आप में दो क्वालिटी हैं तो आपका वात से आप अपने को एसोसिएट कर सकते हैं। वात का मरीज बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सोच वाला मरीज होता है, और जब यह वात उसका डिरेंज हो जाता है तो उसमें फियर और एंजाइटी बहुत डेवलप होती है। तो आप इस सिंपल दो चीज़ों से अपने में वात का डायग्नोसिस कर लेंगे। अगर आपको यह सिम्टम है तो जो आपको व्रत रखना है उसमें आपको बिल्कुल पानी पीने वाला व्रत नहीं रखना है, बिल्कुल वो मना है। आपको ऑरेंज, मैंगो, यह सब जूसेस पीने हैं और इस तरह आपको फास्ट रखना है। दूसरी स्थिति आती है साथियों पित्त की। पित्त इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जितना न्यूट्रिशन होता है, जो भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है इंटेस्टाइन में, वो पित्त से रिलेटेड होता है। पित्त में जो एनर्जी फ्लो करती है, इट्स ऑफ फायर एंड वाटर, या हीट एनर्जी होती है, आपके बॉडी की डाइजेस्टिव एनर्जी होती है। इसीलिए जो पित्त का पेशेंट होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड, तेज़ और बहुत तेज़ दिमाग का इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जब यह पित्त डिरेंज हो जाता है तो वो जेलसी वाला मरीज हो जाता है। ऐसे मरीज को थोड़ा सा जो हरी सब्जियों का जूसेस होते हैं वह व्रत में पीने चाहिए, वह उसको फायदा करेंगे। आप पानी पे डिपेंडेंट होने वाला व्रत भी रख सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है कफ। कफ साथियों आपके बॉडी के स्ट्रक्चर का जो है वह सूचक होता है। यह जो है वह एयर एंड वाटर में इसका जो है वो समायोजन होता है। ये दो एनर्जीज होती है जो इसमें फ्लो करती हैं। यह आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मरीज बहुत ही एडजस्टेबल होता है, बहुत ही सोच वाला होता है, लेकिन जब आपका कफ डिरेंज हो जाता है तो आपको जो है वो इरिटेशन और आपको हेट्रेड वाला आप में कंडीशन आ जाता है, वरना यह बहुत सॉफ्ट स्पीकिंग होता है। अगर आपको कफ है साथियों तो आप सबसे अच्छा खिचड़ी वाला व्रत रखिए, मोनो खिचड़ी आप खाइए, वह आपके लिए सबसे अच्छा है। अब साथियों आपके व्रत को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, आपके शरीर और आपके जीवन के लिए मैं दो तीन बातें बताना चाहूँगा। पहली बात साथियों है कि आप इस दौरान CCFT बड़ी मशहूर है, क्यूमिन कोरिएंडर फनेल। क्यूमिन मीन जीरा, कोरिएंडर मीन धनिया, एंड फनेल मीन जीरा। आप इनकी चाय पी सकते हैं, यह बहुत फ़ायदा करती है और आपके बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स कर देती है। चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, कुछ हो, आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देती है यह CCFT। क्यूमिन, फनेल और कोरिएंडर, यह जो है आप ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो व्रत रखें वो जिस दिन रखें फिर हमेशा उसी दिन रखें। इससे आपका बॉडी ऑटो प्रोग्राम्ड हो जाता है उस वक्त के लिए और आपको लाभ देता है। अब एक सब बात और आती है कि व्रत को ख़त्म कैसे करें। व्रत को साथियों ख़त्म करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग क्या है, जैसे अभी हमने एक बार गलती ये करी थी, जब तक हमें ये बात मालूम नहीं थी, हमने फास्ट रखा, निर्जल रखा, पानी भी नहीं पिया पूरे दिन, एकादशी पे अभी रखा था, लेकिन अगले दिन दुगना खा लिया। तो व्रत रखने का तरीका ये साथियों, जितने दिन आप व्रत रख रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं कंसेक्यूटिवली, कोई लोग दो दिन करते हैं, कोई लोग एक दिन करते हैं, उसके उतने ही दिन पहले और उतने दिन बाद भी अपने को संयम रखें, यानी शरीर को प्रिपेयर करके तब रखें। ये ना करें कि आज हम नहीं खाएंगे तो कवर करके कल हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे, ऐसा ना करें। एक समस्या आपके सामने शायद शुरू में आएगी, वो आएगी कि आप जब व्रत रख रहे होंगे, फास्ट कर रहे होंगे, तो आपके शरीर में हेडेक होगा, आपको एंजाइटी होगी। इसको साथियों बहुत चिंता में ना लें। अगर आपके एंजाइटी और थकान और सर में दर्द थोड़ी देर के लिए, तो समझ लें ये अच्छा है, शरीर एडजस्ट कर रहा है। होता क्या है साथियों कि जब आपको खाना नहीं मिलता और आपके शरीर को ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अपने फूड से लेने की आदत हो गई है, जब उसको वहाँ नहीं मिलेगा तो वो जो आपके बॉडी में अमा जमा हुआ है, जो टॉक्सिन्स अनडाइजेस्टेड फूड जमा हुआ है, उससे उस फूड को वो एक्सट्रैक्ट करेगा
और इससे आपका बॉडी और प्योरीफाई होगा, तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा हेडेक या एनजाइटी हो सकती है, तो इसको आप कतई चिंता में ना लें। हाँ, अगर ये लंबे वक्त तक परसिस्ट करे तो आप अवश्य किसी कुशल चिकित्सक से मिलके देखें कि आपको क्या डिरेंजमेंट है। ये साथियों एक छोटी सी बात थी, कुछ पल का ये वीडियो था, लेकिन यकीन मानिए मैंने अपने शरीर को अच्छा करने के लिए इसको पढ़ा था, तो मैंने कहा कि आपसे भी इसको साझा करें। यह आयुर्वेद की जानकारी है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हूँ आपको बहुत ज़्यादा बताने के लिए, लेकिन फिर भी इस गुलिस्ते में जो थोड़ा बहुत हमने अपने दिमाग में इकट्ठा करा था वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। लेकिन सारी बात पढ़ने के बाद मैं समझा कि फास्टिंग की बहुत अहमियत है और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी यंग जनरेशन को जो जो जहाँ मिलता है वो रखने की, खाने की आदत है, रात में फ्रिज में खाना ढूंढने की आदत है, पार्टियों में खाने की आदत है, हर समय दोस्तों के साथ खाने की आदत है, उनको उससे बच के अपने शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा है, अपने शरीर की जो अग्नि है उसको स्ट्रांग बनाकर अपने ओजस यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यह बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा करें साथियों, और हमको कमेंट पोर्शन में बताएं आपको एक महीना आपने एक्सरसाइज करी फिर आपको कैसा लगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। मैं आपको यह बता दूं साथियों कि मैं फिर बता दूं कि मैं सही पर्सन नहीं हूं, ये तो मैंने अपने लिए जानकारी इकट्ठा करी थी, आपको बांटी है। आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, तो आप किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही कुछ करिएगा, यूँ अपने मन से इस वीडियो के आधार पर ना करिएगा इससे, लेकिन आपकी जानकारी हो, आपके दिमाग में बात बैठे हमारी युवा पीढ़ी के, ये हमारा मकसद है। निवेदन है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।